कि जो बाबा साहब की और विश्व की सबसे इंपॉर्टेंट किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें बाबा साहब ने जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इंटेलेक्चुअल वर्ग है, उसके बारे में क्या कहा, कहाँ इंटेलेक्चुअल वर्ग उसको समझ पाया और कहाँ फेल हो गया? ये तो आपने बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सटीक प्रश्न किया है साहब। आज पूरे देश में जो हवा चल रही है जाति व्यवस्था के ऊपर ही है, और लोग ये सब बोलते हैं कि जाति व्यवस्था, जाति प्रथा अगर देश में ख़त्म हो जाए तो हमारा देश बहुत उन्नति कर जाए, बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, न सुलझने वाला सवाल है, जिसके बारे में समय समय पर विद्वानों ने कोशिश की कि इस प्रथा को, इस जाति व्यवस्था को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए या उस रास्ते पर लाया जाए जिससे देश में इससे कोई तकलीफ ना हो। इसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उन्होंने तो बहुत सारा काम इस कास्ट के ऊपर किया, कास्ट इन इंडिया, जेनेसिस ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पता नहीं क्या क्या उन्होंने, उनका विचार, उनका जो अध्ययन है इस मामले में बहुत ही विस्तार है, बहुत ही विस्तृत है। तो एक छोटी सी किताब मैं एक छोटा सा रूप में दिया है एनिहिलेशन कास्ट के बारे में कि जाति प्रथा खत्म कैसे की जाए इस देश से। उसमें बाबा साहब ने जो आह्वान किया हुआ है वो इस देश के विद्वानों से किया है। विद्वानों से मेरा मतलब है इंटेलेक्चुअल क्लास, क्रीम ऑफ द सोसाइटी। उसको उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर वाकई हम जाति को ख़त्म करना चाहते हैं इस देश से, तो आप बुद्धिजीवी लोगों को, आप मनीषी लोगों को कुछ ठोस और कुछ कड़े प्रयत्न करने पड़ेंगे जिससे कि जाति व्यवस्था में सुधार हो जाए और देश में एक अच्छा इंसानियत भरा माहौल पैदा हो सके। लेकिन आप सब जानते हैं और आप देख भी रहे हैं कि जो जितना विद्वान हो रहा है, जो जितना अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझ रहा है, जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल कहते हैं, हम लोग उसकी धारणा बना लेते हैं कि ये फलां इंटेलेक्चुअल आदमी है इस समाज का, सबसे ज़्यादा नुकसान इस देश में वही कर रहा है। जातियों के नाम पर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जा रहे हैं, जातियों के नाम पर राजनीतिक पार्टियां बनाई जा रही हैं, राजनीतिक पार्टियों को जातियों में घोला जा रहा है। तो जाति व्यवस्था को टिकाए रखने में ये जो विद्वान लोग अपने आप को कहते हैं, एग्जैक्टली अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं इनको विद्वान नहीं मानता, मैं इनको सूडो इंटेलेक्चुअल बोलता हूँ। ऐसे इंटेलेक्चुअल क्लास है जो अपने स्वार्थ के लिए पूरा का पूरा देश का दोहन कर रही है, समाज का दोहन कर रही है, और उसे कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से सिवा अपने स्वार्थ के। ये वो इंटेलेक्चुअल क्लास है और वही इस देश में सबसे ज़्यादा अहित कर रहे हैं। सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि जाति प्रथा को ख़त्म करने के लिए मैं ये मान लूँ कि इसमें कोई आदर्श, जिसको आज लोग बोलते हैं सवर्ण, इसको दूर करेंगे तो ठीक है, मैं मानता हूँ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका इसमें मतलब सिद्ध नहीं होता। उनका मतलब तो इसको टिकाए रखने में है, तो उनके जो विद्वान लोग हैं वो इसको टिकाए रखने की बात करेंगे। कहने का मतलब मेरा यह है कि उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उनका कुछ योगदान होगा, तो अब कौन करेगा, यहीं पर सवाल पैदा होता है। इस काम को करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस जाति प्रथा से सफरर हैं, जो पीड़ित हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली थी और उनसे कहा था कि इस देश के जो विद्वान लोग हैं, अगर वो सच्चाई और ईमानदारी से काम करेंगे, अगर वो स्वार्थ को छोड़ करके, अपने स्वार्थ को छोड़ के काम करेंगे, तो इस प्रथा को नष्ट किया जा सकता है। ये बहुत ही कड़वी बात, ये बहुत ही सच्ची बात और ये बहुत ही कल्याणकारी बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें कहा है। उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो सफरर क्लास का विद्वान है, इंटेलेक्चुअल है या विद्यावादी है, उसको कहा है। जब मैंने उस किताब को देखा और पढ़ा, बहुत पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सारी किताब मैं कंठस्थ कर लूँ और उसको भाषण में सुना दूँ, उसका जिस्ट निकाल के अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जिस्ट में उन्होंने क्या कहा है।
ये जो बुद्धिवादी लोग, ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास इस देश के आज जो अलग अलग डायरेक्शंस में लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना मतलब साध रहे हैं, कोई पॉलिटिकल एंड पूरा कर रहा है, कोई बिजनेस क्लास में पूरा कर रहा है, कोई अपना और किसी क्लास में पूरा कर रहा है, मतलब लोगों को वो इधर उधर भटका रहे हैं और कुछ पार्ट को अपने अपने साथ लेके जा रहे हैं, जातियों के नाम पर जा रहे हैं। ये इंटेलेक्चुअल क्लास का काम नहीं है। इंटेलेक्चुअल क्लास का काम अगर वाकई जाति प्रथा मिटाने में है तो उन्होंने पेज नंबर 58 से पेज नंबर 63 तक ही, थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, उन्होंने बोला है कि इंटेलेक्चुअल क्लास इस देश की अगर ईमानदारी और सच्चाई से काम करे तो अपना उद्देश्य में सफल हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि वो स्वार्थ से ओतप्रोत है, स्वार्थ रहित नहीं है, इसीलिए काम में ढिलाई है। अब इस जाति प्रथा को खत्म करने के लिए लोग बड़े बड़े उदाहरण देते हैं। बाबा साहब ने भी कहा है कि अंतर जाति विवाह करो, इससे खत्म हो जाएगी। इससे पूरी खत्म नहीं होगी, हाँ थोड़ा ढीलापन आएगा, थोड़ा सुधार आएगा। इंटरकास्ट शादी आप करें, डेफिनेटली एक दूसरे का किथन किन बनता है। इंटर रिलीजियस शादी करें, एक दूसरे का रिश्तेदार सगा बनता है, तब उसमें ढिलाई आएगी। और ये काशी प्रथा में जो कास्ट सिस्टम है उसको जो है बेड़ियाँ ढीली होंगी, लेकिन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो सकती। कम्प्लीटली अगर ख़त्म करना है तो जिस बेस पर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहब की बात आपको बता रहा हूँ, जिस बेस पर ये जाति प्रथा टिकी हुई है, ये हर धर्म के जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, जो उनकी पवित्र किताबें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनके ऊपर लोगों का अटूट विश्वास है। अब चूंकि उन धर्म ग्रंथों में, जब मैं हिंदू धर्म की बात करता हूँ, तो उन धर्म ग्रंथों में जाति प्रथा को वाजिब माना है, यानी ठीक माना गया है, ये रहनी चाहिए, इससे विकास होगा, ऐसा है, और उनके नियम बना दिए हैं, तो लोग तो वही पढ़ेंगे। तो इसकी जननी असली, इसको जो बढ़ावा देना जाति प्रथा को, वो पूरा का पूरा हर धर्म के, जिस धर्म में भी इस तरह की बातें कही गई हैं, मैं सबको नहीं बोलता, जिसमें भी कही गई हैं उसका नाम ले रहा हूँ, उस धर्म में उन चीज़ों को जिसमें इन चीज़ों का बड़ा वर्णन किया गया है, महिमा मंडन किया गया है, बढ़ावा देने की बात कही गई है, उन धर्मों में अगर ऐसी बातें हैं तो उन धर्मों का ही पूरा का पूरा विनाश कर दो, उन ग्रंथों का विनाश कर दो। विनाश से मेरा मतलब है उस आइडियोलॉजी को चेंज कर दो। उस धर्म को जलाने से कुछ नहीं है, जलाना मेरा बात कहने का मतलब नहीं है, उसका विनाश का मतलब है कि उसके अंदर जो चीज़ विद्यमान है, उसके अंदर जो चीज़ समाज को बिखराव की दिशा में ले जा रही है, जाति प्रथा को मजबूत कर रही है, उसको हटा दो। इस तरह का विनाश से मतलब था बाबा साहब का भी और मेरा भी। तो उन धर्मों की किताब से, उन धर्मों से, उन शास्त्रों से अगर लोग तैयार हैं, धार्मिक लोग जिनको मानने वाले हैं, तो विनाश हो सकता है, जाति प्रथा खत्म हो सकती है, क्योंकि लोग पढ़ेंगे उनको, लोग उसी पे गौर करते हैं, लोग उसी को पवित्र मानते हैं। अगर आप कहोगे नहीं बहुत बुरी बात है, धर्मों के बोलो ना, लेकिन धर्म आपको उसको बढ़ावा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मृतियाँ हैं, गीता है, पुराण है, देख लीजिए आप क्या क्या हाल है उनमें लिखा हुआ है, वेद, इवन वेद जिनको पवित्र मानते हैं, ऋग्वेद का उदाहरण देख लीजिए, बहुत सी जगह हैं। जातियों को प्राथमिकता दे करके जातियों के नाम पर जो बातें कही गई हैं उससे भला नहीं होने वाला। बाबा साहब के विचार से देश का इंटेलेक्चुअल क्लास ईमानदारी और सच्चाई के साथ में अपना स्वार्थ को छोड़ते हुए, स्वार्थ रहित होते हुए इस दिशा में लग जाए, और बड़ा कट्टर रूप में, कट्टर ही कहूँगा मैं, अग्रेसिव रूप में, एक हिम्मत करके, अपनी जान की बाजी लगा करके, अगर ये सोचता है कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो वो दिन दूर नहीं जाति प्रथा खत्म होने के कगार पर पहुँचेगी। धन्यवाद।